हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है प्रकाश और आपका स्वागत है प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपका फोन भी हैंग होता है तो आप उसे कैसे रोक पाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने फोन को काफी हद तक हैंग होने से रोक पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, जरा भी इस वीडियो को स्किप मत करना, काटना मत या फिर छोड़ना मत, ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। और दोस्तों, इन तीनों ट्रिक में से जो लास्ट वाली ट्रिक है, तीसरी ट्रिक जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रिक करेंगे तो दोस्तों आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा। और इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो को देखे तो उसका भी फ़ोन हैंग ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो तीनों ट्रिक बताऊं उनको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आपका फ़ोन हैंग होने से बच जाएगा। और दोस्तों, जो लास्ट वाली ट्रिक है वो तो आपको देखनी ही पड़ेगी, इससे आपका फ़ोन 100% हैंग होने से रुक जाएगा। तो दोस्तों, पहली ट्रिक ये है कि आपको प्ले स्टोर में जाना है। कई लोग सोचेंगे कि प्ले स्टोर में ऐसा क्या है ताकि हमारा फ़ोन हैंग होता है। तो दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन है जो ऑटो अपडेट ऐप्स, जो आपके ऐप्स होते हैं वो ऑटो अपडेट होते रहते हैं, इससे आपका फ़ोन हैंग होता है। हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने फ़ोन में सेटिंग प्ले स्टोर में जाके इसको बंद कर दें। वो कैसे बंद करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको ऊपर तीन डॉट दिख रहे होंगे, दोस्तों आपको लास्ट में जाना है और सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप्स, उस पर क्लिक करना है और इसको कर देना है डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स। तो आपको इसको डन कर देना है, इससे आपका ये बंद हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन में डेटा कनेक्शन चालू होगा और कोई और ऐप्स अपडेट होगा तो ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा, इससे आपका फ़ोन का डेटा खर्च होगा और उसके साथ ही आपका मोबाइल हैंग होगा। तो इसको आप बंद कर दीजिए, आप अपनी मर्जी से ही आप अपने ऐप्स को अपडेट कीजिए। और दोस्तों, जो दूसरी ट्रिक है उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो दूसरी ट्रिक करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सबसे पहले मैं डेटा कनेक्शन को ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि प्ले स्टोर में जाने के लिए डेटा कनेक्शन होना चाहिए, इसको कर देते हैं। और अब दोस्तों, आपको क्या करना है, लास्ट में जाना है आपके मोबाइल के मुताबिक। अगर आपके पास और कोई मोबाइल है तो आपके मोबाइल में अलग सेटिंग होगी, मेरे मोबाइल में अलग सेटिंग है, ऑप्शन है, देख सकते हैं आप। मेरे पास वीवो का है तो मेरे पास ही कुछ अलग सेटिंग आती है। अगर आपके पास दूसरा स्मार्टफोन है तो आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको केवल उस पर क्लिक करना है अबाउट फोन। तो आपके मोबाइल में बाहर ही अबाउट फोन मिल जाएगा, मुझे अंदर मिलता है इस तरह। तो अब आपको अबाउट फोन में जाके आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर वर्जन, कंडल वर्जन, कंपेरिजन, बैटरी। तो आपको क्या करना है कि आपको, तो दोस्तों अब हमें क्लिक करना है सॉफ्टवेयर वर्जन, तो उस पर हमें 7 बार क्लिक करना होगा। सॉफ्टवेयर वर्जन पे हमें 7 बार क्लिक करना होगा। अगर आपके पास वो अलग, आपके मोबाइल में भी अलग तरह होगा, आपके मोबाइल में अलग तरह से नाम होगा, मेरे पास ये सॉफ्टवेयर वर्जन है, आपके पास MI का है तो MI वर्जन, ऐसा कुछ होगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी डेवलपर हूँ तो मैं बाहर जाके डेवलपर का ऑप्शन ढूंढूंगा, तो आपको मिल जाएगा नीचे डेवलपर ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है और आपको लास्ट में जाना है। लास्ट में जाना है और आपको इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह का होगा। तो आपको इधर ढूंढना है, तो आपको इधर एक मिल जाएगा विंडोज एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो आपको इन सभी को कर देना है ऑफ, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई, ओपन करते ही ओपन हो जाता है, हम बैक करेंगे तो बैक चला जाता है, बहुत ही आसानी से एक वर्क करता है। तो दोस्तों, इससे आपका फ़ोन हैंग होने से रुक जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरी ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों, तीसरी ट्रिक में कुछ ऐसा है कि आपके मोबाइल में जितने भी ब्राउज़र हो उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्राउज़र को ही यूज़ करना है। ज़्यादा ब्राउज़र को यूज़ करेंगे तो दोस्तों इससे क्या होगा कि उसमें जो आप जिस भी साइट को विजिट करेंगे उसमें कुछ डेटा होता है जो आपके मोबाइल में स्टोर होता रहता है, ऑटो अपडेट होता रहता है, इससे आपके मोबाइल में बहुत सारा डेटा सेव हो जाएगा जिससे आपका मोबाइल फ़ोन हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी माने तो दोस्तों, आप कम से कम 2 ही ब्राउज़र का यूज़ करें या फिर 1 ही ब्राउज़र का यूज़ करें, हो सके तो 1 ही ब्राउज़र का यूज़ करें, या फिर ज़रूर पड़े तो 2 ब्राउज़र या फिर 3 ब्राउज़र का आप कम से कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका फ़ोन ज़्यादा हैंग ना हो। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी जो मेरे ख्याल से आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दे लाइक, कर दे शेयर और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए बढ़िया वीडियो के साथ।